हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विल ई लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट। तो एनाटॉमी में हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ डाइकोट रूट पढ़ेंगे। ओके, एज यू नो ट्रांसवर्स सेक्शन वी गेट बाय कटिंग द रूट हॉरिजॉन्टली। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम रूट को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं और एक फाइन एक शार्प ब्लेड से हम इसको कट करेंगे एंड वी विल गेट अ वी विल ट्राई टू गेट अ फाइनेस्ट पॉसिबल सेक्शन। फाइनेस्ट का मतलब है हम चाहते हैं कि लेयर्स सेल्स की सिर्फ एक ही लेयर हो वहां पर। वी ट्राई टू डू दैट, ठीक है, ताकि हमें बेस्ट स्ट्रक्चर नजर आ सके, डिटेल्ड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जब हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो हमें एक सर्कुलर लेयर मिल जाएगी एंड वी विल गेट टू सी द आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम बुलाते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हम रूट्स में एपिब्लेमा भी बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, सिंगल लेयर्ड होता है ये। इसके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स है और इसके ऊपर क्या स्पेशल चीज है, इट ऑल्सो हैज गॉट रूट हेयर। तो हम जब इसको ऐसे देखते हैं तो हमको यहाँ रूट हेयर नजर आएंगे इन एपिब्लेमा में। क्योंकि यहाँ पर रूट हेयर है इसकी वजह से इसको हम क्या क्या बुलाते हैं, वी कॉल एपिब्लेमा हैज टू मोर नेम्स। ओके, तो एपिब्लेमा इज पेरेन्काइमेटस, इट इज सिंगल लेयर्ड, इट कंटेन्स रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल्स को हम ट्राइकोब्लास्ट भी बुलाते हैं। द सेल्स आर कॉल्ड ट्राइकोब्लास्ट। ओके, एंड दिस एपिब्लेमा इट हैज टू मोर नेम्स। एपिडर्मिस तो आप इसे बोल ही सकते हो, साथ साथ एपिब्लेमा भी बोल सकते हो, साथ साथ इसको पिलीफेरस लेयर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर हेयर लाइक लेयर होते हैं, पाइलस पिली से हेयर। ओके, हेयर बियरिंग होती है इसलिए इसको पिलीफेरस लेयर भी बोलते हैं। एंड देर इज अनदर नेम फॉर दिस एंड दैट नेम इज राइजोडर्मिस। ओके, क्योंकि ये रूट्स की स्किन है तो इसको राइजोडर्मिस भी बुलाते हैं। एंड इट कंटेन्स रूट हेयर सेल्स। और एक चीज, जो रूट हेयर सेल्स हैं वो यूजुअली स्मॉलर होते हैं देन अदर एपिब्लेमा सेल्स। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, ठीक है। एपिब्लेमा के बाकी सेल्स से रूट हेयर सेल्स थोड़े स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एपिब्लेमा सेल्स। ओके, एंड दे आर नोन एज ट्राइकोब्लास्ट, दिस आई हैव टोल्ड यू। सो दिस इज एपिब्लेमा, पेरेन्काइमेटस है, लिविंग सेल्स है सारे। इसके ऊपर देर इज नो क्यूटिकल। ओके, क्यूटिकल इज एबसेंट, नो क्यूटिकल, क्योंकि ये रूट है, इसको ट्रांसपिरेशन का कोई खतरा नहीं है, तो देर इज नो क्यूटिकल प्रेजेंट अबव द एपिडर्मिस। ओके, एंड रूट हेयर का मेन फंक्शन आप लोग जानते ही हैं, उनका काम है वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। यहाँ से रूट करती है, वाटर प्लस मिनरल, ये दोनों यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, तो जो ये रूट हेयर हैं ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये सिर्फ अराउंड 1 वीक के सर्वाइव करते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे कि आपने रूट का देखते हैं आप, जोन ऑफ मैचुरेशन होता है ये, ठीक है, जिसमें रूट हेयर मिलते हैं हमें रूट के ऊपर, और साथ में उससे पहले जोन ऑफ इलोंगेशन होता है। जोन ऑफ इलोंगेशन से मैच्योर होकर नए सेल्स रूट हेयर डेवलप करके दे विल बिकम रूट हेयर सेल्स। तो दीज आर जस्ट दीज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड सेल्स, रूट हेयर सेल्स, इनका 1 वीक के अराउंड इनका लाइफ स्पैन होता है। ओके, तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई हमारी एपिब्लेमा, ठीक। एपिब्लेमा के बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी दैट इज कॉर्टेक्स। यहाँ पर जो हम टिपिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसमें, वो जनरली पढ़ते हैं हम सनफ्लावर का या फिर साइसर का, चने का। तो हियर राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सनफ्लावर रूट, ओके, एज इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। एंड नाउ वी हैव कॉर्टेक्स, सेकेंड लेयर। इसमें जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं सनफ्लावर की, अब कॉर्टेक्स आप जानते हैं कई लेयर थिक होता है, देयर इज नो हाइपोडर्मिस इन दिस रूट। ओके, रूट्स में जनरली हाइपोडर्मिस नहीं होता। देन कम्स कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में जो सेल्स हैं वो भी पेरेन्काइमेटस हैं। सेकेंड लेयर कम्स कॉर्टेक्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं एंड दीज सेल्स आर, दीज सेल्स कुड बी सर्कुलर और एंगुलर। यहाँ पर हम
सनफ्लावर बना रहे हैं तो मेनली हम एंगुलर सेल्स फॉर्म कर रहे हैं एंड यू हैव टू ड्रॉ दीज सेल्स फ्री हैंड, डोंट हैव टू यूज एनी स्केल और एनी कंपस, जस्ट ड्रॉ देम एंड दीज आर नेचुरल सेल्स सो नो नीड टू ड्रॉ देम वेरी सिमेट्रिकली, नो नीड टू मेक ऑल सेल्स ऑफ सेम साइज, ओके, जस्ट डू इट फ्री हैंड, आराम से फ्री हैंड से आप बनाते जाएंगे. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ओवरलैपिंग नहीं करनी है यहाँ पर, यू हैव टू अवॉइड ओवरलैपिंग एज दीज आर सेल्स, ठीक है, एक के बीच में दूसरा नहीं आना चाहिए क्योंकि ये सभी लिविंग सेल्स हैं. तो फ्यू लेयर्स, काफ़ी सारे सेल्स की लेयर्स यहाँ पर कॉर्टेक्स बनाएगा, इट इज मैनी लेयर थिक. कॉर्टेक्स कहाँ मिलेगा? बिलो एपिब्लेमा. एपिब्लेमा के नीचे है कैसे सेल्स हैं, देयर आर पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड दीज आर मैनी लेयर्ड, और सेल्स की शेप सर्कुलर भी हो सकती है और एंगुलर भी हो सकती है. जनरली हमें चने में साइसर में हमें सर्कुलर मिलते हैं, ये साइसर साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करेंगे. सनफ्लावर में एंगुलर मिल रहे हैं, द डायग्राम वी आर ड्रॉइंग इन सनफ्लावर दे आर एंगुलर. हेलियंथस में ये एंगुलर बन रहे हैं, ठीक है. देन लेट्स कीप ड्राइंग द कॉर्टेक्स. तो कॉर्टेक्स को ड्रॉ करने में हमें कुछ और लेयर्स लगा देते हैं इसमें, थोड़े से एंगुलर सेल्स बना रही हूँ मैं क्योंकि हम सनफ्लावर दिखा रहे हैं. इंटरसेलर स्पेसेस थोड़ी थोड़ी है, बहुत थोड़ी इंटरसेलर स्पेसेस हैं, ठीक है. तो कॉर्टेक्स का फंक्शन आप लोग जानते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनाना है और फूड स्टोर करना रहता है. एंड हियर जो कॉर्टेक्स है वो लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प कर रहा होता है. सो दिस इज अबाउट कॉर्टेक्स, ठीक है. यहाँ पर ये फूड स्टोर कर रहे हैं सेल्स. तो ये हम बना रहे हैं किसका डायग्राम? सनफ्लावर का, TSO फ्रूट, ठीक है. और लेयर्स नहीं बनाएंगे, आप और लेयर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ओके. इसको ऐसे डायग्राम्स आप फ्री हैंड बनाएंगे, यू कैन ऐड मोर मोर सेल्स ऑल्सो. और वैसे बुक्स में नहीं है डॉट दिखाया होता, लेकिन हमें हमारे टीचर्स हमेशा बोलते थे कि यू शुड पुट अ डॉट इन द सेंटर ताकि ये लिविंग सेल्स नज़र आए हमें. हम ये कंपल्शन होता था वो इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. तो यहाँ पर हमको डॉट दिखाना है टू शो दैट दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स. डेड सेल्स दिखाने के लिए हम डॉट नहीं दिखाते थे, ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी, यू नो एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. तो इसमें जो एंडोडर्मिस है वो कैसी है? सिंगल लेयर की है, बैरल शेप्ड सेल्स हैं, यानी कि थोड़े से एज कंपेयर टू जैसे एपिडर्मिस के सेल्स बिल्कुल फ्लैट नज़र आते हैं, ये थोड़े हमें सेल्स बनाने हैं ब्रॉडर बैरल शेप्ड, यानी कि थोड़े से थिक सेल्स बनेंगे, ओके. एंड दीज सेल्स आर ऑल्सो लिविंग, ओके. एंड वन प्रॉपर्टी ऑफ एंडोडर्मल सेल्स इज द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप. इसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमें शो करना होता, तो हम डायग्रामेटिकली ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इसको, ठीक है. रेडियल वॉल्स पे ये है इसके, और हम ये शो करके इसको हम बोलते हैं दिस इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप. कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी हुई है? इट इज़ मेड अप ऑफ सुब्रिन एंड सेकेंड थिंग लिग्निन, ओके. तो ये बन गया हमारा कॉर्टेक्स एंड देन वी हैव द एंडोडर्मिस. एंड ये जो हमने स्पेस यहाँ बची है इसको भी फिल कर देंगे. ओके
कॉर्टिकल सेल्स से ही। यहाँ पर स्पेस आ गई ना, इसको भी हम फिल कर देते हैं कि यहाँ पर भी कॉर्टिकल सेल्स पड़े हुए हैं, एज देर इज नो स्पेस बिटवीन दीज टू थिंग्स, एंडोडर्मिस एंड आर कॉर्टेक्स। सो दिस इज द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का काम होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से एंडोडर्मिस से जो वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं वेस्कुलर स्ट्रैंड की तरफ जा रहे हैं वो वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये एक चेक पोस्ट की तरह एक्ट करती है वेस्कुलर स्ट्रैंड में, स्टील में, स्टील और कॉर्टेक्स के बीच में एक चेक पोस्ट है, बायोलॉजिकल चेक पोस्ट बोलते हैं इसको। और दूसरा ये इसको एंडोडर्मिस के सेल्स को प्लाज्मोलाइज नहीं होने देती, प्लाज्मोलिसिस से कोलैप्स नहीं हो पाते, ठीक है, वाटर लूज नहीं करने देती बेसिकली कैस्पेरियन स्ट्रिप। सो एक्ट्स एज अ चेक पोस्ट एज वेल एज प्रिवेंट्स प्लाज्मोलिसिस। देन वी हैव पेरिसाइकिल। आफ्टर एंडोडर्मिस देयर इज पेरिसाइकिल, ओके। सो एंडोडर्मिस के बारे में हमने ज्यादा लिखा नहीं है यहाँ पर, कुछ लिखा ही नहीं है एक्चुअली, बट जस्ट वी हैव ड्रॉन एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वी हैव शोन, ओके। बैरल शेप्ड सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, ओके। पेरिसाइकिल जो है वो एक लेयर का भी हो सकता है और ज्यादा लेयर का, विल बी टेकिंग सम अदर पेन। तो पेरिसाइकिल एक से ज्यादा लेयर का भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो हम सनफ्लावर रूट बना रहे हैं इसमें पेरिसाइकिल सिंगल लेयर्ड ही है, और इसमें हम इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम थोड़े से सेल्स का शेप बदल के स्मॉलर कर देंगे। तो पेरिसाइकिल क्या है? पेरिसाइकिल वेस्कुलर सिलेंडर की आउटर बाउंड्री है, सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल इज देयर। और ये कैसा है? पैरेन्काइमेटस है, यंग रूट में थिन वॉल्ड है, ओके। पेरिसाइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिसाइकिल एक तो बनाता है इसमें पेरिसाइकिल जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल एक तो यहाँ से लेटरल रूट्स निकलती हैं, रूट्स में लेटरल रूट्स यानी कि जो रूट्स की ब्रांचेस होंगी वो पेरिसाइकिल से अराइज होंगी, रूट की ब्रांचेस, ओके। दूसरी बात, पेरिसाइकिल क्या कर रहा है? पेरिसाइकिल आल्सो मेकिंग सम कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जो है वो पेरिसाइकिल से ही निकल रहा है। सो पेरिसाइकिल हैज एटलीस्ट टू फंक्शंस टू परफॉर्म। पेरिसाइकिल क्या क्या कर रहा है? ये रूट्स में लेटरल रूट्स बना रहा है, ओके। और दूसरा, कॉर्क कैम्बियम भी यहीं से डेवलप होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। एंड तो पेरिसाइकिल के सेल्स कैसे हैं? थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस है, ओके। पेरेन्काइमेटस है ये भी, दिस इज ऑल्सो पेरेन्काइमेटस। ठीक है, और पेरिसाइकिल, आपको एक चीज और बता दूं कि एक्वेटिक प्लांट के रूट्स में पेरिसाइकिल नहीं मिलता, इट इज एब्सेंट इन रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, हम जनरल कर रहे हैं लेकिन साथ साथ हम कर रहे हैं सनफ्लावर का, लेकिन साथ में थोड़ा जनरल भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल से नेक्स्ट क्या होगा? वेस्कुलर स्ट्रैंड आ जाएगा। वेस्कुलर स्ट्रैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आपको वेस्कुलर स्ट्रैंड की नॉलेज होगी तो ही आप पूरा डायग्राम करेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वेस्कुलर स्ट्रैंड देखेंगे इस ट्रांसवर्स सेक्शन में, ये सपोज हमारा पेरिसाइकिल है, दिस ब्लू लेयर इज द पेरिसाइकिल, और इसके अंदर हम देखते हैं तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि रूट्स में जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट हमेशा रेडियल होता है, तो हमें क्या नजर आएगा कि पैचेस में है फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, ठीक है, फिर जाइलम, अगेन फ्लोएम एंड अगेन जाइलम। सो इट इज लाइक जाइलम, फ्लोएम,
जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, अल्टरनेट कर रहे हैं एक दूसरे को। सेंटर में रहेगी पित्त। तो अब देखते हैं इसका अरेंजमेंट जाइलम और फ्लोएम का कैसे है। तो पहले पढ़ते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो है नंबर फोर पे, एक्चुअली इट इज नंबर फाइव एज वी हैवंट रिटन अबाउट एंडोडर्मिस। थर्ड लेयर वॉज एंडोडर्मिस। ओके, एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द वेस्कुलर टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर सिलेंडर, वेस्कुलर स्ट्रैंड, इसमें क्या है? रेडियल है, वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियल, रेडियल अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल्स का। ओके, दूसरी बात इसमें ये, इसका मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे पड़े हुए हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं एक दूसरे को, रेडियल का ये मीनिंग है। और इसमें जो जाइलम है, पहले जाइलम की बात करते हैं। जाइलम अरेंज हो सकता है दो से लेकर छः तक लेयर्स में, ओके, बंडल्स में कह सकते हैं, टू टू सिक्स बंडल्स हो सकते हैं जाइलम के, ठीक है। अगर दो होंगे तो हम बोलेंगे टू बंडल्स, वी विल कॉल इट डाइआर्क, डाइआर्क जाइलम, ठीक है। अगर वहां पर तीन होंगे, वी विल कॉल इट ट्राइआर्क। अगर चार होंगे, सिंपली इट विल बी टेट्राक, ओके। एंड इफ फाइव आर देयर, यू ऑल नो, पेंटाक। एंड इफ इट इज सिक्स, देन दिस इज हेक्साक, ओके। और हमारे को डाइआर्क जो है वो हमें अगर एक एग्जाम्पल करना है तो टमेटो है, ट्राइआर्क का है हमारे पास पी, टेट्राक का हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं अभी सनफ्लावर, जो रूट हम पढ़ रहे हैं, जो डायग्राम हम बना रहे हैं, सनफ्लावर को हम कंटिन्यू करेंगे तो सनफ्लावर इज टेट्राक, ओके। और सनफ्लावर के अलावा भी हमारा कैस्टर भी टेट्राक है, और जो हम पढ़ रहे हैं साइसर, उसमें भी टेट्राक है चना, पेंटाक और हेक्साक भी हो सकता है। तो इसमें पेंटाक कंडीशन जो मिलती है वो है एक मेला, एक प्लांट है जिसको टूथ एक प्लांट भी बोलते हैं, उसमें मिलती है हमें, ओके। तो ये सभी टाइप्स हो सकते हैं। एंड अगर सिक्स से ज्यादा बंडल्स हो जाएं तो हम उसे पोलीआर्क कंडीशन बोलते हैं। जनरली पोलीआर्क कंडीशन हमें मोनोकोट्स में मिलती है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स, हाउ मेनी। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमारी टेट्राक कंडीशन है। टेट्राक का हम अब डायग्राम बना के देखते हैं, देखते हैं कैसे होती है टेट्राक कंडीशन। तो जो जाइलम है वो चार बंडल्स में मिलेगा हमको यहाँ पर, ओके। एंड चार बंडल्स में जाइलम मिलेगा, साथ ही साथ पहले हम ये देख लेते हैं कि रूट्स में जो जाइलम होता है वो होता है एग्जाक, ओके। एग्जाक का मतलब है कि प्रोटोजाइलम, हमें, मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रोटोजाइलम की पोजीशन से आप इसे याद रखेंगे। एग्स का मतलब आउटसाइड, प्रोटोजाइलम कहाँ होगा? टूवर्ड्स द पेरीफरी, ओके, एपिडर्मिस की तरफ होगा प्रोटोजाइलम। और इससे अपने आप ही जो मेटाजाइलम है वो अपने आप ही पित्त की तरफ हो जाएगा, मेटाजाइलम टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो ये एग्जैक्ट कंडीशन ही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, कि एग्जैक्ट कंडीशन ही हमें हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई कि ये एक रूट है। जब हमें देखना है तो हम जाइलम ही चेक करते हैं। अगर हमें कोई स्लाइड दी जाए,
पूछा जाए कि ये रूट की है या स्टेम की है, तो हम एग्जैक्ट कंडीशन से ही बताएंगे कि ये रूट की स्लाइड है. ओके, तो लेट्स ड्रॉ इट. ड्रॉ करने जाएंगे तो इसमें क्या है, हमने पेरिसाइकिल ऐसे ड्रॉ कर दिया है, बट द पेरिसाइकिल इज एक्चुअली सर्कुलर. चारों तरफ यहाँ पेरिसाइकिल है. ओके, तो थोड़ा सा मैं लेकर आ रही हूँ पेरिसाइकिल को, ज़्यादा नहीं ला रही. ये पेरिसाइकिल है हमारा. ओके, सो पेरिसाइकिल के बाद हमारा जो आएगा, पहले हम सबसे ड्रॉ करेंगे, बाद में हम फिल कर देंगे स्पेसेस को. तो सबसे पहले हम लेकर आ रहे हैं, बनाएंगे जो हम ड्रॉ करेंगे वो है हमारा जाइलम. नाउ टेट्राक है, यानी कि चार बंडल्स में जाइलम अरेंज्ड है. ठीक है, तो जाइलम को यहाँ पर हमने जो बनाना है, एग्जैक्ट कंडीशन है, मींस मेटाजाइलम हमारा सेंटर की तरफ आ गया. जाइलम बनाने के लिए हमें हमेशा डबल वॉल्ड दिखाना है, बीच में से खाली दिखाना है, एज दीज आर स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स. तो ये हमारा एक बंडल बन रहा है जिसमें हम दिखा रहे हैं मेटाजाइलम आगे और प्रोटोजाइलम उसके पीछे. सो प्रोटोजाइलम हमारा बाहर की साइड आएगा, पेरिफेरी की साइड आएगा, और मेटाजाइलम हमेशा हमारा अंदर की साइड आएगा. ठीक है, दिस इज वन वैस्कुलर बंडल, वन जाइलम बंडल. एंड नाउ वी विल बी ड्राइंग द नेक्स्ट वन. इसमें भी हम मेटाजाइलम, आप जानते हैं मेटाजाइलम हैज ब्रॉडर ल्यूमेन. ओके, बाद में बनता है, ल्यूमेन इसका बड़ा होता है. एंड द प्रोटोजाइलम हैज स्मॉलर वेसल्स एंड ट्रेकीज. तो जो छोटे सेल्स हैं वो प्रोटोजाइलम को रिप्रेजेंट करेंगे और बड़े सेल्स हमारे मेटाजाइलम को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो यहाँ पर हमारे चार बंडल्स हमको ऐसे ही ड्रॉ करने हैं, मेकिंग थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. तो इसको थोड़ा सा हमको नेचुरली बनाने के लिए हम सेल्स ऐसे बना देंगे. ठीक है, तो ये हमारे तीन बंडल्स बन गए. अब हमारा चौथा जाइलम का बंडल बन रहा है मेटाजाइलम, और इसको बिल्कुल आपको फ्री हैंड बनाना है. कोई आपको पूरी एग्जैक्टली एक लाइन में बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेल्स हैं. ओके, तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है. हियर यू हैव दिस एज मेटाजाइलम एंड दिस इज प्रोटोजाइलम. तो ये मेटा और प्रोटोजाइलम दोनों बन गए. तो ये ही है हमारी टेट्राड कंडीशन. ओके, टेट्राक कंडीशन, टेट्राक चार बंडल्स में जाइलम अरेंज है, ये हमारा जाइलम हो गया. ओके, उसके बाद हमारा आता है फ्लोएम. तो हमें फ्लोएम, क्योंकि रेडियल अरेंजमेंट है वैस्कुलर बंडल्स का, तो हमारा जो फ्लोएम है वो आएगा यहाँ पर. दिस पोजिशन इज रिजर्व फॉर फ्लोएम. ओके, फ्लोएम जो है उसके सेल्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, छोटे सेल्स करेंगे, ज़्यादा थिन वॉल्ड सेल्स ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, और साथ में टू शो सीव ट्यूब एलिमेंट्स वी विल बी पुटिंग अ फ्यू डॉट्स इन साइड. ठीक है, कुछ सेल्स के अंदर ऐसे हम डॉट दिखा देंगे सीव दिखाने के लिए. ठीक है, सीव सेल्स दिखाने के लिए, सीव प्लेट्स दिखाने के लिए. कुछ सेल्स को हम हाफ फिल करके शो कर देंगे, ऐसे हम फ्लोएम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, दिस इज आर फ्लोएम. सो द फ्लोएम इज ऑल्टरनेटिंग विद जाइलम. ठीक है, तो जाइलम में इम्पॉर्टेंट है प्रोटो और मेटा दिखाना, फ्लोएम में इम्पॉर्टेंट नहीं है. चाहे वो वहाँ पर है बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ड्रॉ दिस. यहाँ पर भी हम फ्लोएम के सेल्स थोड़े छोटे साइज के, थोड़े से डिफ्रेंशिएट करते हुए, बहुत ज़्यादा हेक्सागोनल नहीं बना के, हम इनको कोई पेंटा बना दिया, कोई रेक्टेंगुलर बना दिया, कोई स्क्वायरिश बना दिया, ऐसे सेल्स हम ड्रॉ कर देंगे. एंड देन वी विल बी शोइंग द सीव प्लेट्स इन देम. ठीक है, कुछ को हम खाली छोड़ेंगे ताकि ये लगे कि यहाँ पर सीव प्लेट्स हैं, यहाँ पर कुछ फ्लोएम पेरेन्काइमा है, कुछ यहाँ पर
कंपेनियन सेल्स हैं, कुछ यहाँ पर फाइबर्स हैं। दो इन प्राइमरी रूट फ्लोएम फाइबर्स बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लोएम। तो ये फ्लोएम हमारा चारों साइड्स पे ड्रॉ हो जाएगा। जितने जाइलम के बंडल्स होंगे उतने ही फ्लोएम के बंडल्स बनाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को ये ऑल्टरनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बची पिथ, सेंटर में जो सेल्स हैं। हाँ, एक चीज और, जो यहाँ पर सेल्स हैं, सेल्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ ये जो सेल्स हैं, यहाँ पर कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, एंड दीज पैरेन्काइमेटस सेल्स आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम कंजक्टिव टिश्यू। और ये जो कंजक्टिव टिश्यूज हैं, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिए, पैरेन्काइमेटस है ना, तो ये हमने बीच में इनके ड्रॉ कर देने, जितनी भी स्पेस बचेगी बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, वी विल बी ड्रॉइंग द कंजक्टिव टिश्यू। और आपको ये मालूम ही है कि यहाँ पर सारा पेरिसाइकिल कंटिन्यू हो रहा है, और सेंटर में हमारी है पिथ। पिथ इज वेरी स्मॉल इन डाइकोट रूट्स, और कई बार तो ये एब्सेंट ही होती है, ठीक है। एंड दिस पिथ, इट स्टोर्स सम फूड, और इट कुड स्टोर व्हाट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी ये स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। सो ये हो गया कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये जो हमारा रेडियल अरेंजमेंट है, इसका जाइलम एंड फ्लोएम का रूट में, इसका एक बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है कि जो जाइलम है वो आउटर टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, दिस इज द बेनिफिट, ठीक है। यहाँ पर भी कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स होगा चारों तरफ, तो जाइलम इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आउटर टिश्यू, बीच में फ्लोएम नहीं आ रहा, ठीक है। इससे क्या होता है कि रेडियल कंडक्शन में हेल्प मिलती है, जब बाहर से आ रहा है पानी रूट हेयर से एंटर होके, तो इट इज ईजियर, ठीक है। और जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो कंडक्ट होके यहाँ से आएगा, विच इज पासिंग थ्रू द डेड स्पेसेस, यहाँ से डेड स्पेसेस से पानी आ रहा है, दिस वाटर विल एंटर द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यहाँ पर आके एंडोडर्मिस, उसके बाद वो डेड स्पेसेस में से नहीं चल सकता, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप उसको डेड स्पेसेस में चलने से रोकती है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ेंगे आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोट रूट, ठीक है। पिथ के बारे में आपको बता दिया, बहुत छोटी होगी या एब्सेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर जब ये मेटाजाइलम डेवलप हो रहा है अंदर की तरफ, तो पिथ को बिल्कुल सेल्स को क्रश कर देगी, तो इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोट रूट, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।